प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुझे मिल गया था। मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था, उनके भी कार्यक्रम लगातार थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है, मैं 2-3 महीने में एक बार मिलकर आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियाँ होती हैं आदान प्रदान की वो करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय से मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंडओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितने भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से वो सब हमने संपन्न की हैं, उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह को लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफ़ी हुआ, हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 360,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है। खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जिसको हमने लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कंप्लीट कर दिया, अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, ये जानकारी मैंने उनको दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गांव में इंटरनेट से जोड़ने की बात थी वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है। गांव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनवाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC CHC ऐसी सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक सूचना प्रौद्योगिकी का ये बड़ा मुकाम जो है ये पूरा कर लिया है।